Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कोरोना वायरस से कनाडा में पहली हलाकत, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 77 हो गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 30% तक कमी, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज को बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात की जानिब से टोरंटो में मामूली ठंड की पेशगोई, माहरीन की जानिब से शहर में हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। ऑन्टेरियो हुकूमत का एग्लिंटन क्रॉस टाउन में ज़ेर तामीर LRT से मुतासिर होने वाले अफराद को फंड्स फराहम करने का फैसला, मंसूबे में ताखीर के सबब वहां मौजूद कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। चीन कोरोना वायरस के हौलनाक फैलाव पर बिल आखिर काबू पाने में कामयाब हो गया, मरीजों की तादाद में कमी, आर्जी तौर पर बनाए गए अस्पताल बंद कर दिए गए। दुनिया भर में निहायत मोहलिक कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतें 4031 हो गईं, मुतासरीन की तादाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दो करीबी साथियों का कोरोना वायरस का शिकार होने का शुबा जाहिर किया गया है, दोनों अरकान को अलग कर दिया गया। इंट्रा अफगान डायलॉग की राहें हमवार होने लगी, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी बिल आखिर मान गए और उन्होंने तालिबान कैदी रिहा करने का ऐलान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस से कनाडा में भी पहली हलाकत सामने आ गई। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के 80 साला शख्स को सेहत के मुतादित मसाइल का सामना था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस से कनाडा में भी पहली हलाकत सामने आ गई। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के 80 साल शख्स को सेहत के मुतादित मसाइल का सामना था। सूबाई वजीरे सेहत और महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से पहली हलाकत का ऐलान किया गया। वजीरे सेहत की जानिब से कहा गया है कि हलाक होने वाले शख्स के अहलखाना के साथ साथ उनके लिए भी अफसोसनाक है। क्वेबेक में मॉन्ट्रियल से ताल्लुक रखने वाले एक MP वॉशिंगटन में कोरोना वायरस से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत के बाद सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। उनका कहना है कि वो टोरंटो पब्लिक हेल्थ की जानिब से मजीद हिदायत मिलने तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। उनका कहना था कि मुझे कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए हुए एक हफ्ता हो गया है और अब तक मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। कैनेडा भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 77 हो गई है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 35 तक पहुँच गई है। क्वेबेक में 4, ब्रिटिश कोलम्बिया में 32 केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब कनाडा के डेप्टी वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जानिब से लिखे गए खत में सूबों से कहा गया कि तमाम सूबे जिन्हें कोरोना वायरस के हवाले से सहूलियात या अद्वियात में कमी का सामना है वो विफाक को मुतला कर दें। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 30% कमी के बाद टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों को कई दहाइयों के बाद बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने दुनिया की मईशत पर अपना पहला वार कर दिया है। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज को बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मार्केट क्रैश कर गई है। सिर्फ एक दिन में क्रूड ऑयल की कीमत में 30% तक कमी ने दुनिया की बड़ी स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। माहरीन का कहना है कि ये सूरत हाल रूस की जानिब से प्रोडक्शन में कमी से इंकार और सऊदीया की जानिब से इस कमी को पूरा करने के ऐलान के बाद पैदा हुई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 30% कमी के बाद टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों को कई दहाइयों के बाद बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज को खुदकार निज़ाम के जरिए बंद कर दिया गया ताकि तजारती सरगर्मियों को पुरसकून किया जा सके। माहरीन के मुताबिक ये सूरत हाल ऑयल मार्केट क्रैश होने के बाद पैदा हुई। माहरीन की जानिब से कहा गया है कि 1987 के बाद से ये टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बुरा दिन था। कुछ बात कर लेते हैं। माहरीन की जानिब से कहा गया है कि 19 मार्च से मौसम बहार का आगाज हो जाएगा, तहम उसका मतलब ये नहीं कि बर्फबारी नहीं होगी। टोरंटो में हर मार्च के महीने में औसत 17.7 मिलीमीटर तक बर्फबारी होती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
टोरंटो के शहरी यूं तो बाहर का मौसम महसूस कर रहे हैं। शहरियों ने गर्म मौसम का सामना किया, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में मामूली ठंड की पेशगोई की गई है। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि शहर में 10 मिलीमीटर के करीब बारिश मुतवक्के है, जबकि तेज हवाएं मौसम को मजीद सर्द बना देंगी। बुध के रोज शहर में हल्की बर्फबारी होगी, जबकि शहर का दर्जा हरारत 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि 19 मार्च से मौसम बहार का आगाज हो जाएगा। ताहम इसका मतलब ये नहीं की बर्फबारी नहीं होगी। टोरंटो में हर मार्च के महीने में औसत 17.7 मिलीमीटर तक बर्फबारी होती है, जबकि अभी तक सिर्फ पियर्सन में ही 1.8 मिलीमीटर बर्फ पड़ी है। ऑन्टेरियो से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, ऑन्टेरियो की ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर कैरोलिन मुलरोने की जानिब से एग्लिंटन क्रॉस टाउन के करीब LRT के जारी तामीराती मंसूबों की वजह से मुतासर कारोबारी इदारों की इमदाद के लिए $3 मिलियन के फंड्स फराहम करने का वादा किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो की ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर कैरोलिन मिलरोने की जानिब से एग्लिंटन क्रॉस टाउन के करीब LRT की जारी तामीराती मंसूबों की वजह से मुतासर कारोबारी इदारों की इमदाद के लिए $3 मिलियन के फंड्स फराहम करने का वादा किया। ऑन्टेरियो की ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर कैरोलिन मिलरोने की जानिब से एग्लिंटन क्रॉस टाउन के करीब LRT के जारी तामीराती मंसूबों की वजह से मुतासर कारोबारी इदारों की इमदाद के लिए $3 मिलियन के फंड्स फराहम करने का वादा किया गया है। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी को लिखे गए खत में मुलरोने का कहना था कि एग्लिंटन क्रॉस टाउन में काम की रफ्तार सुस्त होने के सबब वो मायूस हैं। उन्होंने कहा कि काम में ताखिर के कारोबारी अफराद और उनके अहलखाना पर शदीद असरात मुरतब होंगे। मुलरोने का कहना है कि सूबे की ट्रांजिट एजेंसी मेट्रो लिंक्स इश्तेहारात कारोबार की बेहतरी, पार्किंग में रियायत और दीगर कामों के लिए $6.6 मिलियन अदा कर चुकी है। मेट्रोलिंक्स की जानिब से फरवरी में कहा गया था कि LRT का मंसूबा अपने शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल नहीं होगा, उसे 2021 के बजाय 2022 में खोला जाएगा। चीनी मीडिया का कहना है कि चीन में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी आ रही है, जिसके बाद चीन के शहर वुहान में बनाए गए तमाम आरजी अस्पताल बंद कर दिए गए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन कोरोना वायरस के हौलनाक फैलाव पर बिलाखिर काबू पाने में कामयाब हो गया। मरीजों की तादाद में कमी के बायस वायरस के लिए आरजी तौर पर बनाए गए अस्पताल बंद कर दिए गए। शंघाई में कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 93% हो गई। चीनी मीडिया का कहना है कि चीन में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी आ रही है, जिसके बाद चीन के शहर वुहान में बनाए गए तमाम आरजी अस्पताल बंद कर दिए गए हैं। ये अस्पताल कोरोना वायरस की वबा सामने आने के बाद रिकॉर्ड 10 दिन की मुद्दत में तामीर किए गए थे। चीनी मीडिया का कहना है कि शंघाई में कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 93% हो गई है। शंघाई में अब तक सामने आने वाले कोरोना के 342 मरीजों में से 319 सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना वायरस से चीन के सबसे मुतासर शहर वुहान में भी मरीजों की तादाद और अमवात में कमी आ रही है। चीनी हुकाम के मुताबिक सूबा होबी के बाहर मुसलसल दूसरे रोज कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कुछ बात करते हैं, अब तक कोरोना वायरस दुनिया के 115 ममालिक और इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका है। 5,000 से ज्यादा अफराद की हालत अब भी तश्वीशनाक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 4,031 हो गई, जबकि मुतासरीन की तादाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है और अब तक 1,14,661 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। सेहतयाबी का अमल भी जारी है। 64,277 अफराद मोहलिक वायरस से निजात पा चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस दुनिया के 115 ममालिक और इलाकों को लपेट में ले चुका है। 5,000 से ज्यादा अफराद की हालत अब भी तश्वीशनाक है। कोरोना वायरस से अमवात की शरह 6%, सेहतयाबी की शरह 94% है। रहे कि एक बैन अलाक्वामी बहरी जहाज डायमंड प्रिंसेस भी वायरस से मुतासिर हुआ, जो ताहाल योकोहामा जापान में लंगरअंदाज है। इटली में हलाकतों में तेजी से इजाफा होने लगा है और अब तक 463 हलाकतें हुई हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 9,172 हो गई। यूरोपीय मुल्क इटली में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन भी कर दिया गया है। तकरीबन 6 करोड़ लोग लॉकडाउन कर दिए गए हैं। इटली में 3 अप्रैल तक तमाम तालीमी इदारों को बंद किया जा चुका है। हलाकतों में इटली दूसरे नंबर पर आ गया है। अतालवी वजीर आजम ने 14 सूबों को रेड जोन करार दे दिया है। फ्रांस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है। फ्रांस के वजीर सकाफत फ्रैंक रेस्टर में भी वायरस की तशखीस हो गई है। अब तक 30 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,412 है। बहरीन में कोरोना वायरस के 8 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो गए। हुकाम का कहना है कि बहरीन में अब तक कोरोना वायरस के 22 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि मजमू मरीजों की तादाद 109 है। ईरान में भी 237 अफराद कोरोना वायरस के 22 जान से जा चुके हैं। मजमू मुतासरीन की तादाद 7,161 हो गई है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मजीद 5 केस रिपोर्ट होने के बाद तादाद 20 हो गई है। गुज़िश्ता रोज मक्का में भी एक शख्स में वायरस की तस्दीक हुई।
कुछ बात करेंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना वायरस टेस्ट नहीं किया गया है, उनके दो साथियों में वायरस का शुबा जाहिर किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दो करीबी साथियों का कोरोना वायरस का शिकार होने का शुबा जाहिर किया गया है। व्हाइट हाउस के नामजद चीफ 3 दिन कबल ट्रंप से भी हाथ मिला चुके हैं। बताया गया है कि अमरीका में सदर ट्रंप से करीबी रब्ता रखने वाले कांग्रेस के 2 अरकान में कोरोना वायरस का शुबा है। दोनों अरकान को अलग कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रिपब्लिकन रुकन डॉग कोलिंस ने ट्रंप से हाथ मिलाया था, जबकि मैट गेटर्स ने ट्रंप के साथ एयरफोर्स 1 में सफर किया था। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप का कोरोना वायरस टेस्ट नहीं किया गया है। तफसीलात के मुताबिक ये बात सामने आ गई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस टेस्ट क्यों नहीं किया। व्हाइट हाउस ने बयान में कहा है कि सदर ट्रंप की कोरोना वायरस से मुतासर किसी शख्स से मुलाकात नहीं हुई। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप में कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं पाई गई। अमरीकी सदर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, ताहम हिफाजती इकदाम के तौर पर सदर ट्रंप की मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ बात करेंगे। दोहा में अमन मुहादे के तहत अफगान हुकूमत को 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा करना है। इन 5,000 कैदियों की रिहाई के बदले तालिबान 1,000 कैदी रिहा करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी बिल आखिर मान गए और उन्होंने तालिबान कैदी रिहा करने का ऐलान कर दिया। अफगान सदर अशरफ गनी तालिबान से मुजाकराती टीम में शामिल अफराद के नामों का भी ऐलान करेंगे। वाज़ेह रहे कि दोहा अमन मुहादे के तहत अफगान हुकूमत को 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा करना है। उन 5,000 कैदियों की रिहाई के बदले तालिबान 1,000 कैदी रिहा करेंगे। कैदियों की रिहाई के बाद अफगान हुकूमत और तालिबान के मुजाकरात का आगाज होगा। अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के तर्जुमान कर्नल सोनी लेगेट ने जारी बयान में कहा कि मुहादे के तहत अमरीकी अफवाज की तादाद में मशहूर कमी कर रहे हैं। कर्नल सोनी लेगेट ने बताया कि अफगानिस्तान में 12 से 13 हज़ार अमरीकी फौजी तैनात हैं। इब्तदाई तौर पर अमरीकी अफवाज की तादाद घटाकर 8,600 की जाएगी। ख्याल रहे कि 29 फरवरी को कतरी दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान और अमरीका में मुहादे पर दस्तखत हुए। दोहा में होने वाले मुहादे की रूह से अमरीका 135 रोज में तकरीबन 5,000 फौजी निकालेगा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे मरहले में अमरीका अफगानिस्तान से तमाम अफवाज का मशरूत इनखला करेगा। तमाम अमरीकी अफवाज का इनखला तालिबान के मुहादे की पासदारी की शर्त से मशरूत है। इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।